लेग रेज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है लोअर एब्डोमिनल के लिए। अगर आपका टमी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है और आप अपने पेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको ध्यान इसमें ये रखना है कि आपके दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखना है एंड लेग्स को 90 डिग्री उठाना है। और अगर आप 90 डिग्री नहीं उठा पा रहे हैं तो आप 45 डिग्री एंगल भी बना सकते हैं। तो सोचिए मत, कल से नहीं अभी से आज से स्टार्ट करना है आपको वर्कआउट, और ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। बाइसाइकिल क्रंचेस, टारगेट मसल ओब्लिक्स। इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी नी को एल्बो से टच कराना है। ओब्लिक्स मसल्स के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट है। एंड आपको भी इस एक्सरसाइज को अपने कोर मसल के वर्कआउट में ऐड करना है। वीक क्रंचेस, ज़्यादातर तो हम लोअर एब्स और अपर एब्स के लिए अलग अलग वर्कआउट करते हैं जैसे लेग रेज एंड क्रंचेस, बट इस एक्सरसाइज में आपको फ़ायदा ये है कि आपका लोअर एब्डोमिनल और अपर एब्डोमिनल दोनों एक साथ वर्क करेंगे। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है एंड मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने वर्कआउट रूटीन में इस एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड ऑन करें। प्लैंक अप एंड डाउन, दिखने में तो ये एक्सरसाइज बड़ी इजी सी है बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आपको इसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो टारगेट आपको ये देना है कि अपनी कोर को, हिप्स को ऊपर उठाना है और वापस प्लैंक पोजीशन पे जाना है। एंड जब आप पुश करोगे ऊपर की तरफ तो आपको सारा प्रेशर कोर मसल से लगाना है। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 15 से 20 रेप आप इसके कर पाएंगे। क्रंचेस, वेरिएशन ऑफ क्रंचेस। टारगेट होगा अपर एब्स एंड फोकस करना है आपको अपने हाथों को फ्लोर पे से नहीं उठाना है और अपने शू को टच करना है। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, आप लोग भी एक बार ट्राई करना इस वर्कआउट को एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वर्कआउट कैसा लगा। नंबर ऑफ रेपिटेशन आपको अपने अकॉर्डिंग लेने हैं, जब तक मसल फटीग नहीं हो जाता तब तक आपको इसको करना है। एंड इस एक्सरसाइज के लिए आपको किसी इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है।